IPL 2019 सनराइजर्स हैदराबाद ने कर दी कप्तान की घोषणा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद ने डेविड वार्नर की वापसी के साथ फूली नहीं समा रही है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व उप कप्तान वार्नर पर पिछले साल बॉल टेम्परिंग में शामिल होने की वजह से एक साल का बैन लगा दिया गया था। अब वो बैन 28 मार्च को खत्म हो रहा है, इसलिए वार्नर एक बार फिर से क्रिकेट मैदान पर नजर आएंगे। वो IPL के साथ मैदान पर वापसी कर रहे हैं, लेकिन वो पहले की तरह इस बार हैदराबाद टीम के कप्तान नहीं होंगे, बल्कि पिछले साल कप्तानी करने वाले केन विलियमसन को ही कप्तान बरकरार रखा गया है, जबकि भुवनेश्वर कुमार को ही उप कप्तान बनाया गया है। 32 साल के वार्नर, जिनका IPL में रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, उनके नाम इस टूर्नामेंट में 4000 से ज्यादा रन है। उनका बैन 28 मार्च को खत्म हो रहा है, ऐसे में वो एक दो मैच के बाद खेलते नजर आ सकते हैं। हैदराबाद इस बार अपना पहला मैच कोलकाता के खिलाफ खेलेगी। उन्होंने KKR को भी पिछली बार क्वालिफायर में हराया था और फाइनल में जगह बनाई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।